कोरोना संकट में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बालकों की ओर से न सिर्फ सुरक्षा सहायता प्रदान की जा रही है बल्कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत सामाजिक सरोकारों को भी कंपनी निभा रही है। कंपनी की ओर से इस कड़ी में क्षेत्र की महिलाओं के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया गया और इस वेबिनार में महिलाओं बालिकाओं को स्त्री स्वास्थ्य संबंधी विषयों की जानकारी दी गई और अनेक सामाजिक भ्रांतियों को भी दूर किया गया। ये तस्वीरें बालकों की ओर से आयोजित सामुदायिक विकास कार्यक्रम की है। इस कार्यक्रम में कंपनी की ओर से विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में बालको अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्मिता प्रसाद ने क्षेत्र की लगभग 100 महिलाओं और बालिकाओं को स्त्री स्वास्थ्य संबंधी विषयों की जानकारी दी, साथ ही महिलाओं की सामाजिक भ्रांतियों को दूर किया गया। वेबिनार के माध्यम से प्रतिभागियों को यह बताया गया कि प्रत्येक महिला और किशोरी बालिका का यह अधिकार है कि वह स्त्री स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी वैज्ञानिक पहलुओं को जाने और भ्रांतियां तथा कुरीतियों से दूर रहे। डॉक्टर प्रसाद ने यह बताया कि रक्तस्राव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, परंतु कुप्रथाओं और अशिक्षा के कारण अनेक महिलाएं स्वच्छता के सही उपायों को अमल में नहीं लाती। इसके कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर प्रसाद ने कहा कि वे अपनी पुत्रियों को स्त्री स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी सही जानकारी दें, किसी भी भ्रम की स्थिति में वे चिकित्सक से संपर्क करें। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर के प्रयोग, बार बार साबुन से हाथ धोने, पारस्परिक दूरी बनाए रखने, भीड़ भाड़ वाले स्थानों में न जाने व बाजार में दूसरे लोगों से पर्याप्त दूरी बनाए रखने के महत्व से परिचित कराया। उन्होंने कहा कि सावधानी से ही कोरोना वायरस से बचाव संभव है। बता दें कि कोविड-19 से लड़ाई के खिलाफ बालकों ने अनेक नवाचार किए हैं, जिनकी प्रशंसा छत्तीसगढ़ शासन के अनेक प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, CII आदि वाणिज्यिक संगठनों ने भी की है।